आरंभ कयूं पंहिंजो दशपदी नालो खणो ऐं सत्री हली रही आहे। हा अच्छा, ऐं भई हिकु पूरी थी सत्रीअ जी, ईअं चऊं था। ओ आइए अभी सतगुरु टेऊंराम महाराज जी की यह प्रेम प्रकाश ग्रंथ के अंदर ब्रह्मदर्शनी नामक प्रकरण बहुत सुंदर, जिसकी 16 दशपदी संपन्न हो चुकी हैं, अभी 17वीं प्रारंभ होने जा रही है, जिसमें गुरु महाराज बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। क्या इन पास अच्छा 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 पढ़ना वक्त ओम सतगुरु टेऊंराम महाराज की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। प्रेम प्रकाश ग्रंथ की जय। सर्व प्रेमियों की जय। आज के आनंद की जय। आइए अभी श्री प्रेम प्रकाश ग्रंथ, जो सतगुरु टेऊंराम महाराज जी की यह अनुभव की वाणी है और हृदय से गुरु महाराज उसका पालन करते हुए एक एक पद लिखा, वह इस प्रकार है। यह ब्रह्मदर्शिनी जिसका अभी हम पाठ करने जा रहे हैं, वह 17वीं दशपदी है, जिसका प्रथम दोहरा इस प्रकार है। जो 17वीं दशपदी का सार बतलाया गया है वह यह है। ओ कर्म करो शुभ रैन दिन, फल की मांगो नाय, कहटेऊं बिन कर्म के मिले न सुख जग माह। कर्म करन में तब अधिकारा, तांते कर्म करो निर्धारा। कर्म बिना को रह न सके ही, नेम अटल प्रकृति का ये ही। कर्म रूप यह सृष्टि सारी, कर्म बिना को हो न सुखारी। जड़ चेतन में जीव सुजेते, कर्म करन में तत्पर तेते। अपने अपने कर्म द्वारे, कहटेऊं सुख पावत सारे। यह प्रथम दशपदी संपूर्ण। जीव जितने भी हैं वो सब जड़ हो चेतन हो, कर्म करने में तत्पर रहते हैं। अपने अपने कर्म के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती है, सुख प्राप्त हो सकता है। यही सिद्धांत भगवत गीता के अंदर भी भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने कहा है, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में ही जीव का अधिकार है, बाकी फल में कभी नहीं। न कर्म का करने वाला बनना है और न कर्म फल नहीं करना है। इस दशपदी के अंदर गुरु महाराज ने बतलाया। अभी कर्म कौन सा कर्म, दूसरी पंक्ति के अंदर, सहज कर्म के मेटन माही, जग में को समरथ नाही। कठपुतली वत सब जन करते, को किसको सेक न सकते। तीन गुणों की बांधे डोरी, कर्म करत सब ही कर जोरी। और तांते तुम निज कर्म कमाओ, यतन करे चित चाह बढ़ाओ। कर्महीन का जीवन फीका, कहटेऊं ज्यों शव का टीका। कितना सुंदर सहज कर्म की महिमा। सहजम कर्म तु कौन्तेय, सदोषम अपि न त्यजेत। सर्वारंभा ही दोषेण, धूमि न अग्नि रिवावृता। भगवद गीता के अंदर भगवान ने कितना स्पष्ट कहा है कि सहज कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए।
कर्म जो स्वभावतः होता है वो बंधन कारक नहीं बनता है, और जिसमें प्रयत्न किया जाता है वह बंधन कारक बन जाता है। इच्छा भी नहीं रखनी है, जैसे अग्नि के अंदर धुआं स्वाभाविक चलता है, प्रकट होता है, इसी प्रकार सहज कर्म की विशेषता गुरु महाराज सुंदर रूप से समझाते हैं कि कोई भी कर्म करो उसमें चाहना न रखो फल की। यह जग में हम आप कर्म करने में समर्थ हैं, कठपुतली की तरह हम सब काम करते हैं, इसको कोई रोक नहीं सकता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कर्म ज्यायो ही अकर्मण, न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। और वह कर्म कौन सा जो हम आप सहज कर्म बन जाए, साधो सहज समाध भली है, जो जो करो सो सब पूजा, जहाँ जहाँ जाऊँ सो परिक्रमा। इस प्रकार कबीर साहब जी ने भी सुंदर ढंग से वर्णन किया है, हर महापुरुष ने इस बात को समझाया है। और ये तीन गुण हैं जो सत्व रज और तम तीनों के द्वारा हम सब बंध जाते हैं, और इससे मुक्त होना है, इससे अतीत होना है, और इसमें बंध गए तो फिर जन्म मरण के चक्र से हम छूट नहीं सकते हैं, कितना भी उपाय क्यों न करें। इस बात का ध्यान करते हुए हम आपको गुरु महाराज सुंदर शिक्षा देते हैं, क्या और कह रहे हैं आगे। वेद विहित कर्म, वेद विहित कर कर्म अकामा, मन को देवत वह विश्रामा, अहम बुद्धि न इसमें राखो, फल की आशा मन से नाखो, अचल बुद्धि से कर्म कमाओ, चपल बुद्धि को तुरत हटाओ। हर अर्पण सब कर्म करो तुम, भोग विषय की चाह हरो तुम, कर्म बंध यूं तोहिन बांधें, कहते हूँ जो निषिदिन साधे। तो कर्म करो लेकिन कर्म श्री कृष्ण अर्पणम कर दो, बस वो कर्म का बंधन नहीं होगा, कर्म से छूट जाएंगे। और यदि हमने किया ऐसा अभिमान किया इसका फल मुझे मिलना चाहिए, तो वो बंधन कारक बन जाएगा। जो भी कार्य करो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, संपूर्ण कर्म अर्पण कर दो। हम आप अच्छा कर्म बन जाता है तो मैंने किया ऐसा कहते हैं, और जब खराब कर्म बन जाता है, विफल कर्म हो जाता है, निष्फल जाता है, तो बोलते हैं कि परमात्मा ने किया, हमारे कर्म में ऐसा था और हमारा ये सितारा बिगड़ा हुआ था। इस प्रकार का दोष उस पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह दोष है। इसीलिए जो भी करो वह श्री कृष्ण अर्पणम कर दो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कर्म का कर्ता बनो ही नहीं। यही शिक्षा सतगुरु महाराज सुंदर रूप से हम आपको कहते हैं। आइए आगे। कर्म अकामी नाशन होवत, अल्प कर्म भी भय को खोवत, कर्म कर्म ऊंचे ले जावें, और निर्भय निर्दुख पद पहुँचावें, लाभ हानि में समता धारे, द्वंद्व रोग से होय न्यारे, कर्तव्य बुद्धि पुण्य लोक हितारथ, कर्म करे तत्स सिद्ध परमारथ, कर्महीन नर नीचे गिरता, कहते हूँ मृत्यु मुख परता। तो कर्म की कितनी महिमा है, हितार्थ दूसरे के वास्ते करो, दूसरे के भलाई के लिए जो कर्म है वो आनंददायी होता है। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः, तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संगह समाचर। भगवान भगवद गीता के अंदर भी कहा कि यज्ञ वास्ते अर्थात परमात्मा वास्ते कर्म करो, कर्म किए बगैर कोई रह नहीं सकता है यह निश्चय जाने।
सपने में भी कर्म करना ही पड़ता है, इधर उधर आना जाना बोलना सब काम होता है, जागृत में तो होता ही है। तो किस प्रकार हम छूटे इससे कर्म करते हुए कि उसका हम कर्ता न बने, परमार्थ के वास्ते कर दो, मुहर उस पर ये लगा दो कि भगवान वास्ते कर रहा हूँ। और यही कर्म ऊंचा भी चढ़ाता है और गिरा भी देता है। स्वर्ग लोक भी प्राप्त करना हो तो इसी कर्म के द्वारा, और यदि पुण्य खत्म हो गए तो स्वर्ग से गिरना भी हमारा ये कर्म ही करता है। इसीलिए कर्म बड़ी सावधानी के साथ करना चाहिए। पुण्य चाहे पाप, ये सब कर्म से ही होता है। आइए आगे। माया मय जे त्रिगुण आही, कर्म योग्यता है तिन माही। जिस वस्तु में गुण है जैसा, तांसे कारज होवत तैसा। वृथा तामे कर अहंकारा, दुख सहत तम बारम बारम। कर्ता पन का तज अभिमाना, पाओ अविचल सुख अस्थाना। गुरु गमले यह गर्व हरी जे, कह टेऊँ इस विद दुख सी जय। सतगुरु टेऊँ राम महाराज हम आपको कितना सुंदर बतला रहे हैं कि कर्तापने का अभिमान छोड़ दो, अविचल सुख स्थान को पा सकते हो, लेकिन ये गुरु के द्वारा राज रहस्य समझ में आएगा, नहीं तो ये अहंकार पैदा करेगा और कर्म बंधन में पड़ जाएगा। कर्मणा ही बध्यते जंतु, कर्म के द्वारा जीव बंध जाता है। क्योंकि कोई भी कर्म करो तो संकल्प करना पड़ता है कि अमुक नाम मैं अमुक जगह पर कर रहा हूँ, अमुक समय पर कर रहा हूँ, अमुक फल के लिए। तो ये पहले पहले संकल्प किया जाता है किसी भी कार्य को करना हो। सकाम कर्म में ऐसा होता ही है। तो सकाम कर्म फिर हमको दूसरा जन्म दिलाएगा, क्योंकि कर्म का फल भोगने के लिए तो दूसरा चाहिए ही। कर्म फल भोगना हुआ है तो शरीर चाहिए, शरीर से कर्म करेंगे फिर उसका फल भोगने के लिए दूसरा शरीर चाहिए। इस प्रकार से कर्म करते रहो, शरीर प्राप्त करते रहो, उसमें भोगते रहो, फिर कर्म करो, फिर शरीर प्राप्त करो, उसमें फिर कर्म करो, कर्म का फल भोगो, फिर नए कर्म करो। इस प्रकार से कर्म की ये परंपरा चलती रहेगी, जीव कभी मुक्त हो नहीं सकता है, यह निश्चय जाने। कर्म के अंदर इतनी बड़ी पाबंदी है, बंधन कारक कर्म ही होता है। इसी से हम सावधान हो जाएं, कर्म होकर करें, निःकामी होकर के करें। तो जैसे बीज एक बार भुन दिया जाता है तो फिर उसमें अंकुरित होने की शक्ति खत्म हो जाती है, और यदि भुना हुआ नहीं रहेगा तो फिर बोएंगे, फिर अंकुर होगा, अंकुर होने पर फिर फल लगेगा, फल में फिर बीज उत्पन्न होगा, फिर बीज बोएंगे। इस प्रकार से अनेक फल प्राप्त होंगे, फिर बीज बोएंगे। इस प्रकार से हम कभी भी छूट नहीं सकते हैं। कर्म का ऐसा बहुत बड़ा जाल है जो फंसाता जाएगा। धागा जैसे रेशम का एक गांठ खोलेंगे दूसरी गांठ बंध जाएगी, तीसरी गांठ आप खोलने का प्रयत्न करेंगे चौथी बंध जाएगी। इस प्रकार से बंधते जाएंगे हम आप। ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। ओम। आइए आगे पांच। जब समझाएं तो उनको फिर यहाँ बैठ जाओ। आइए, छठी
पंक्ति के अंदर गुरु महाराज सुंदर बतला रहे हैं क्या, तन में तेरा तनिक निवासा, काहे करो तुम बहुत ही आशा, दो दिन है जग जीवन तेरा, काहे करत हो तेरा मेरा, पल शिन जान कुटुंब का मेला, काहे करत तांसू हस खेला, धन यौवन कब थिर नाह रहता, क्यों करते हो तामे ममता, राम नाम एक संगी साचा, कह टेऊँ यह जग है काचा। सतगुरु टेऊँ राम महाराज एक एक पंक्ति के अंदर कितना सुंदर बतला रहे हैं कि तुम जिसके लिए आशा करते हो बहुत बहुत बड़ी, और तुम्हारा जीवन कितना है, मंसूबा चलने का नहीं और नींव खुदा रहे हैं हमारे दस दस पीढ़ी तक वो चले, तो इससे कैसे काम सिद्ध होगा, हमारा धन हो चाहे यौवन हो चाहे मकान हो चाहे दुकान हो, कुछ भी स्थिर रहने वाली चीज़ नहीं है। तुम उसमें एक तो ममता करते हो, और जो सच्चा राम नाम संग देने वाला है उसको छोड़ देते हो, और ये जग जो अस्थिर है हमारी आपकी उसमें रुचि होती है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ रहे, और यह हो नहीं सकता है, ये असंभव है, इसको सोच समझ हम आप सकते हैं, रात दिन देखते हैं, फिर भी हमारे मन के अंदर जो ऐसी भावना बन गई है, ऐसे एक विचार बन गए हैं जिसको निकालना बहुत कठिन काम है, फिर भी प्रयत्न करेंगे तो हम आप कुछ आगे बढ़ सकते हैं। आइए आगे क्या कह रहे हैं। पाप कपट कर द्रव्य कमाते, निज मित्रों को आना खिलाते, और एक पलक नहीं छोड़त गेहा, और दिन दिन करते अधिक स्नेहा, सत्संग की तो है बात न भावे, मूढ़ मरकट ज्यों मोह बढ़ावे, काल दूत जब तोहें सतावत, तब को बंधु निकट न आवत, राम नाम हो अंत सहाई, कह टेऊँ जप राम सदाई। पंक्ति सातवीं के अंदर गुरु महाराज कितना सुंदर कह रहे हैं, देखिए हम अपने मित्र बंधु जितने भी देखते हैं वो सुख के समय आकर के घेर लेते हैं, और बड़े प्यार के साथ बैठेंगे, और बाकी सत्संग करना हो कि हमको भजन करने का है तो कोई पास में नहीं आता है, या जब दुख घेर लेता है तब भी कोई पास में नहीं आता है, यह एक व्यवहार है। जब तक हमसे आपका स्वार्थ सिद्ध होता है तो हमसे प्यार करेंगे, और जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तब दूर भाग जाते हैं, पार्टी होगी तो कैसे वहाँ आप पहुँच जाएंगे, और जहाँ सत्संग का आयोजन होगा वहाँ पर आप हम नहीं पहुँच पाएंगे, यह एक मन की धारणा है, इस धारणा को हम आप स्वयं ही मेट सकते हैं, विचार बदल सकते हैं, या और कोई नहीं बदलेगा यह निश्चय ही जाने। आइए आठवीं पंक्ति के अंदर, लेवो राम नाम रस लेवो, झूठे विष रस को तज देवो, राचो राम नाम रंग राचो, झूठे जगत रंगों से बाचो, पावो पावो हरि से प्रेमा, मछली काज्यों जल से नेमा। और बैठो बैठो संतन संगा,
जहाँ से हरि का लागे रंगा, त्यागो त्यागो तन अभिमाना, कहते उले गुर से ज्ञाना। तो इस प्रकार का ज्ञान गुरु से ही लेना होगा। बैठो ऐसा कि फिर हमको कोई उठावे नहीं, और ऐसा एक रंग हमारे आपके ऊपर लग जाए जो फिर रंग वो कभी छूटे नहीं। और त्याग करना है तो अभिमान का त्याग करना है। काहे का अभिमान? तन के अभिमान का, माया के अभिमान का, शोभा के अभिमान का। तो ये अभिमान हम आपको गिराने वाले हैं। और जो असली अभिमान होना चाहिए आत्मा का, वह हम आप धारण करते नहीं हैं, और अनात्मा का अभिमान वो अवश्य गिराने वाला है। मायक जितने भी अभिमान हैं वह हम आपको नकली है और धीरे धीरे टूटता जाता है, और जो असली परमात्मा के साथ संबंध है वह कभी टूट नहीं सकता है। उसको हम चाहते नहीं, उससे जुड़ना नहीं चाहते। जिससे जुड़ना चाहते हैं उससे कभी जुड़ नहीं सकेंगे, और जिससे हम टूटना चाहते हैं उससे कभी टूट सकते ही नहीं। कितना प्रयत्न करो वह आत्मा का रस, आत्मा का संबंध, निज स्वरूप का संबंध है, और हम आप जानते हुए भी उसके साथ नहीं जुड़ पाते हैं। यही हमारी आपकी कमी है। इस कमी को दूर सतगुरु संत करते हैं, बार बार जगाते हैं, और हम आप उसमें सो जाते हैं। इससे काम कभी बनने वाला नहीं है। ओ नवमी पंक्ति, नित ही हरि को सेवो, सकल जगत हरिमय लख लेवो, चालो चालो हरि के द्वारे, सत्संग जानो हरि दरबारे, सुन ले हरि की बानी, संत वेद गुरु जोय बखानी, धारो धारो हरि के धर्मा, संतों से ये बूझो मर्मा, कर ले हरि की पूजा, टेऊ एक हरि संतन दूजा। तो इस पंक्ति के अंदर सतगुरु महाराज बहुत सुंदर बता रहे हैं कि वो नित्य ही माने हरदम प्रभु परमात्मा को याद करने का है, और संपूर्ण जगत को हरि का स्वरूप ही समझो। और क्योंकि इतना ही नहीं, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ युग पानी। रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी बात को कहा है, और वेद उपनिषद सब एक ही बात कह रहे हैं कि तुम हरि के दरवाजे पर चलो। ये सत्संग हरि का दरबार है, और सुनना हो तो उन महापुरुषों की वाणी को सुनो, भगवान की वाणी को सुनो। वेद गुरु जो बखाते हैं, बखान करते हैं, और धारण करना हो तो धर्म परमात्मा का, परमार्थ का धर्म धारण करो, और ये मर्म भी समझो। संतों के जरिए करना है तो करो, एक हरि की पूजा करो, और संत महात्माओं के चरणों में बैठ करके उस एक एक अक्षर को समझने का जब प्रयत्न करेंगे तब बात समझ में आएगी। ओ ओ दसवीं पंक्ति, मंगलमय है हरि का दर्शन, देखन से होवे मन प्रसन्न, निर्मल है नित हरि का नामा, कल्प वृक्ष के सम सुख धामा, अबिचल हरि जस अपर अपारा, जाके गावत हो भव पारा, परम पवित्र
हरि के चरना, मुक्ति हेतु तुम चित्त में धरना, सबते ऊंचा हरि प्रतापा, कहते हूँ हरि जप कट पापा। तो इस पंक्ति को जो 17वीं दशपदी का ये 10वीं आखिरी पंक्ति है, मंगलमय हरि का दर्शन है, जिनके दर्शन से आनंद और कल्याण होता है और मन भी प्रसन्न होता है। हरि का नाम जपते हुए निर्मल चित्त हो जाता है, कर्मफल ये कल्प वृक्ष के समान सुख देने वाले बन जाते हैं। हरि का जस अपरंपार है, उसकी महिमा हम पूरी गा नहीं सकते हैं। भव जल से पार होने का एक ही उपाय है और ये परमात्मा के परम पवित्र चरण हैं। मुक्ति के वास्ते तुम चित्त में धारण करो उस हरि परमात्मा का प्रताप, छिपा हुआ नहीं है, सब जगह प्रकट है, और संपूर्ण पापों को कटो, कट जाएंगे। हरि का जाप जपते रहो, नाम जपते रहो, धीरे धीरे सब काम होते हैं। कोई भी कार्य उतावली से करेंगे तो फल नहीं मिल सकता है, इसलिए बड़े धैर्य के साथ, बड़े प्रेम के साथ, नियम के साथ, टेम के साथ करने से हम उससे बहुत कुछ लाभ ले सकते हैं। महापुरुषों ने लिया है और आगे लेंगे, ऐसी हम आप इच्छा करते हैं। आप इस पर बड़े गौर के साथ चिंतन करें, ध्यान दें, तो हम आपको सहज ही इसका अनुभव हो जाएगा। ओ साधारण बात नहीं है, लेकिन गुरु के भरोसे सब कुछ हो सकता है, लेकिन शरण होनी चाहिए। देखो कृष्ण अर्जुन के सखा भी थे, साले भी थे और कई संबंध थे, तब तक उसको उपदेश नहीं दिया अर्जुन को, लेकिन कब दिया, जब कहा कि मैं तेरी शरण में आया हूँ और मैं तेरा शिष्य हूँ, मेरे शरण आए शिष्य को उपदेश दीजिए, तब वह ये पंक्ति दूसरे अध्याय के अंदर भगवद गीता के कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव प्रशाम त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेय स्या निश्चितम गुरु ही तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, अर्थात मेरे प्रपन्न शरणागत शिष्य को जान करके कुछ ऐसा अच्छा राह रोशन करिए, उपदेश दीजिए जिसमें मेरा कल्याण हो। तो ये गुरु भावना जब तक नहीं आएगी तब तक कल्याण होना मुश्किल है, और संबंध अच्छे हैं, तार सकते हैं, लेकिन पार करना, मुक्त करना, आनंद दिलाना, ये तो गुरु के बिगैर नहीं होता है। करो गुरु कृपा आया है, हनुमान चालीसा के अंदर हम पढ़ते हैं, गुरु की भांति कृपा करो, ये काकभूषण जी ने भी कहा है इसी बात को। जब अपराध हो गया, गुरु को नहीं उठ करके नमस्कार किए, शंकर भगवान क्षुब्ध हो गए, आवेश में आ गए कि इसको दंड देना चाहिए, ये काकभूषण जी ने पूर्व जन्म की कथा कही है, उसमें ऐसा बतलाया है। तब वो गुरु कृपालु होते हैं, वो बोले इसको दंड मत दो। शंकर भगवान बोले कि नहीं, दंड दिए बगैर नहीं होगा, ये सुधरेगा और इसको देख करके और भी सुधरेंगे, इस दृष्टि से दंड देना इसको आवश्यक है। गुरु महाराज फिर भी भगवान शंकर से बहुत विनय की,
कि उसका दोष नहीं मेरा दोष है। शंकर भगवान कहे ये गुरु का ये ऐसा हृदय है, आप भले कुछ भी कहो लेकिन इसको कुछ शिक्षा देनी चाहिए। भगवान के मुख से निकल पड़ा कि तुम जाकर के काक बनोगे, कौवे की योनि को प्राप्त करोगे। अब वह तो होना ही था, होकर ही रहा, लेकिन गुरु की कृपा से उसको सब ज्ञान था, गुरु भक्ति थी, जीव का त्याग उसको अंदर में भावना थी और वो इतना ज्ञानी होकर के रहा। भले भगवान का वचन पूरा हुआ कि कौवा होकर रहा, लेकिन उसका पूरा ज्ञान, पूरा निश्चय, पूरी भक्ति थी। जो गरुड़ जैसे को भी उन्होंने उपदेश दिया, राम की कथा सुनाई, इतनी पदवी ऊंची पाई, ये किसके प्रभाव से? गुरु के प्रभाव से। करो कृपा गुरुदेव की नाई, ऐसी पंक्ति आई। तो गुरुदेव की कृपा प्रसिद्ध है, सतगुरु समना पर उपकारी, मात पिता हरते हितकारी, अमृत ते गुरु दर्शन मीठा, मैंने भी अनुभव कर डीठा, गुरु मंत्र में शक्ति अपारी, जांसे वश होवत बनवासी, सर्व सुख गुर चरणों माही, और कहीं भी मिलता नाही, गुरु की संगत शुभ गुणदाई, कहते हूँ गुर पै बल जाई। तो देखिए गुरु की महिमा बतराते हुए, गुरु के समान परोपकारी कोई संसार में नहीं है। संत तो परोपकार करते ही है, लेकिन गुरु का दर्जा फिर और ऊंचा होता है। वो उपकारी के साथ उपकार करेंगे हम आप, लेकिन जो उपकार नहीं करता है, अपकार करता है, उसका भी तुम उपकार करो, ऐसा गुरु का विचार रहता है, तभी उसकी महानता है गुरु की। उमा संत की यही बड़ाई, मंदसो करत करत भलाई, जो मंदा करता है उसके साथ ही भलाई करना, ये गुरु और संत का काम होता है, और से नहीं हो सकता है। और कहा इतना ही कि उनके अंदर छल कपट भी नहीं रहता है, धर्म के सभी अंग उसके अंदर गुरु के आ जाते हैं। और गुरु के पास में रहने वाला सेवाधारी, उसके ऊपर भी उसकी जरूर असर पड़ती है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा शिष्य ही शिष्य रहता है, वो भी एक गुरु बन जाता है। शिष्य आता है गुरु के पास काहे के लिए? शिष्य बनने के लिए, गुरु बनने के लिए? वास्तविक गुरु बनने के लिए आता है, करने को तो ऐसे शिष्य बन नहीं, शिष्य तो घर में ही था। निर्धन तो आता है धनवान के पास किसके लिए? धन पाने के लिए, धनी बनने के लिए। पापी पुरुष आता है तीर्थों में काय के लिए? पाप को मिटाने और पुण्य को बढ़ाने के लिए। तो तीर्थ स्वयं पुण्य होता है, और आप भी पुण्य बनने के लिए, पुण्यात्मा बनने के लिए पुण्य के पास आते हैं, लेकिन न कि पापी बनने के लिए। लेकिन हमेशा के लिए आप पाप से मुक्त हो सकते हैं यदि दूसरी बार फिर आपने पाप नहीं किया। ये गुरु के पास आने का इतना बड़ा महत्व है कि आप भी गुरु बन जाओ। छोटा मोटा एक गुरु होना आवश्यक है मेरे विचार से। पहले शिष्य का कर्तव्य जब निभाएंगे तब गुरु बन सकते हैं, बाकी ऐसे नहीं। और बिन कमाइया नान का साधन जैरो कर, सतगुरु शिष्य को बहुविध पाले, बालक को ज्यों मात संभारे, धरनी पति ज्यों पालत प्रजहीं, वृक्षों को ज्यों माली सृजहीं, कुंज सुतन को ज्यों मन सारे, कछुआ ध्यान अंडे का धारे, पालत खग सुत अंक पसारे, शूम दाम का ज्यों रखवारे, मालिक राखे घर को जैसे, कहते हूँ गुर राखे तैसे। कितनी एक एक पंक्ति के अंदर कितनी बातें लिखी हैं गुरु महाराज ने, आप हमको स्पष्ट एक एक बात खोल के कहने की आवश्यकता नहीं है। आप पढ़ करके इस ब्रह्मदर्शनी से लाभ ले सकते हैं, सुन करके भी लाभ ले सकते हैं। आइए इसकी अभी आगे का, यह आठवीं पंक्ति में
तिस गुरु को मैं करूं जोहारा, जिसने भवजल पार उकारा। तिस गुरु को मेरा आदेशा, जिसने दीना सत उपदेशा। तिस गुरु को सदवार नमामी, जिसने कीना मुझ निष्कामी। तिस गुरु को है वंदन मेरी, जिसने काटी अविद्या बेरी। तिस गुरु पै मैं वारों जिया, कहते हूँ जिस निर्भय किया। इतनी गुरु महाराज, देखिए कि पंक्ति के अंदर आप अर्थ समझते हैं, स्पष्ट अक्षरों के अंदर अर्थ समाया हुआ है स्पष्ट ही। तिस गुरु को मेरा प्रणाम, जिन्हें लखाया आत्म रामा। तह गुरु पै मैं बल बलिहारी, अहम बुद्धि जय मन की टारी। तेह गुरु के पद का मैं गोला, जिसने दीना नाम अमोला। तेह गुरु का मैं दर्श दासन दासा, जय अमरापुर दीना वासा। तेह गुरु पै मैं नित कुर्बानी, कहते हूँ दी जिस गुण खानी। अर्थ कहने की जरूरत नहीं है, आप सब सयाने हैं, इतना नहीं अति सयाने हो। खाली थोड़ी श्रद्धा और विश्वास होगा तो अपने आप हमको अर्थ समझ में आ जाएगा। सिर्फ अर्थ ही नहीं समझेगा, उस पर आपको चलना भी आ जाएगा। आइए अंतिम पंक्ति में, तेह गुरु के मैं चरणन चेरा, जिसने मेटा भरम अंधेरा। तेह गुरु की मैं करहूँ सेवा, जिसने दीना हर का भेवा। तेह गुरु के पद नाऊ माथा, जिन्हें सुनाई हर की गाथा। तिस गुरु का दर्शन मुझ भाया, मोह नींद से जिन्हें जगाया। सतगुरु के मैं गुण नित गाऊं, कहते हूँ परमानंद पाऊं। तो गुरु को बोल गुरुदेव भगवान की। मुख्य उद्देश्य उनका मोह नींद से जगाना काम है और परमात्मा से मिलाना। आजकल कई प्रकार ऐसा होना चाहिए, हम उसकी क्या कुछ व्याख्या कर सकते हैं। हमारे तो शिष्य के अंदर लक्षण होने चाहिए, शिष्य के उसको ही समझना चाहिए। लेकिन कहना पड़ता है कि गुरु का भी क्या कर्तव्य है, कि वो शिष्य की वागडोर पकड़ करके भगवान के हाथ में दे दे, तब शिष्य का उद्धार हो जाएगा। और गुरु तो उद्धार रूप है ही, लेकिन वह भी औरों को भी उद्धार करने के लिए समर्थ है। इस दृष्टि से शिष्य को, छोटी बुद्धि वाले को परमात्मा के साथ जोड़ना मुख्य कर्तव्य गुरु का इस शास्त्र के द्वारा प्रतीत होता है। गुरुदेव को हम जितनी भी बार वंदना करें, बोल गुरुदेव भगवान की जय। गुरु को कीजिए दंडवत, कोट कोट प्रणाम। कीट न जाने भिरंग को, वह कर आप समान। वो अपने समान कर देते हैं। पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे वह करे आप समान। पारस भी अच्छा है, कुछ कवियों ने पारस के साथ भेंट की है कि गुरु पारस के बराबर होता है, लेकिन पारस से ऊंचा दर्जा रखता है गुरुदेव। क्यों भाई? कि लोहे को कंचन करना ये तो पारस का काम इतना ही है, पारस नहीं बना सकेगा लोहे को, सोना बनाएगा। और गुरु सब संति नहीं बनाएगा, लेकिन वो बनाते हुए गुरु बना देगा। इस दृष्टि से उसकी महिमा बड़ी है, क्योंकि ये दोहा इसीलिए कहा गया है, यह तभी सार्थक होता है। गुरु की महिमा इसी में है, और इतनी नहीं है कि बस वो हो गया, तुम्हारा उद्धार हो गया, लेकिन तुम दूसरों का भी उद्धार कर सको, ऐसी योग्यता हमारे आपके अंदर गुरु भर देते हैं। जिन्होंने भी गुरु को पारस का दर्जा दिया है, वह कुछ सही कहा है, लेकिन उससे ऊंचा दर्जा गुरु का कहा गया है इस दोहे के द्वारा। और गुरु को बलहारी गुर आपने, जब वारी सदवार।
जिन मानुष ते देवता करतन लागी बार। Yeah.
सद्गुरु सर्वानंद महाराज की, स्वामी शांति प्रकाश महाराज की, प्रेम प्रकाश मंडल की, प्रेम प्रकाश दुजा की। बस आइए अच्छा नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं ब्रह्मा मुरारिस्तुरान्धकारी गुरुश शुक्रः शनिराहु केतव सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णुः मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनुहरिः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नेचोकमानं गतरागद्वेषं ज्ञानैकसूर्यं जगदेकवन्द्यम् अध्यात्मलीनं विनिवर्तकामम् श्रीटेऊं रामं शरणं प्रपद्ये। ॐ त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या चरणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। गंगा मैया की जय। सद्गुरु शिवराम महाराज की जय। आइए स्वामी बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ओम जय गुरु राम स्वामी जय गुरु राम पर उपकारी जगत उदारी पर उपकारी जगत उदारी सुमो पूरण काम। ओम जय जब प्रेम तुमको पुकारा स्वामी तुमको पुकारा तब तब गुर अवतार धरे स्वामी तब तब गुर अवतार नाम धर्म सनातन के परिचार धर्म सनातन के परिचार गुण अभिराम। ओम जय गुरु नेऊ राम जब देश में भर मन कर स्वामी पावन ते उपदेश आत्म रूप लखाया सबको आत्म रूप लखाया सबको